उम्मीद है आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। मैं मसीहुद्दीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम इन बच्चों से कुछ सवाल करेंगे कि ये अब बच्चे हैं, अभी तक इन्होंने कुछ तालीम हासिल की नहीं की, या मदरसे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, या स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो उन्होंने उसमें कुछ तालीम हासिल की नहीं की, तो हम आप ये बताओ इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, यूपी का वज़ीर आला कौन है? यूपी का योगी आदित्यनाथ। हाँ, श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा चलो, ये तो जनरल नॉलेज हर एक को रहना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, हमारे जो है यूपी का सीएम कौन है। तो अब इनसे हम ये सवाल करते हैं कि नमाज में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो सब कुछ याद हैं कि नहीं याद हैं? इस तो आप ये बताओ कि आपको सना याद है? सना नहीं याद। आपको याद है? नहीं। आपको याद है? हाँ। आप आओ बेटा, सना याद है? हाँ। सुना दो थोड़ा सा उधर देख करके। وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك التحيات لله والصلاة। मैंने सिर्फ सना पूछा था। ये क्या पढ़ रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो? अत्तयात पढ़ रहे हैं। देखो, इस बच्चे को याद है, मदरसा जा रहा है, मदरसे में पढ़ता है। आप लोग भी मदरसे गए कि नहीं गए? मदरसे गए तो सना याद होनी चाहिए। हम इनके माँ बाप से कहना चाहेंगे, हर एक माँ बाप से, कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। पहले उनको दीन सिखाएं, उनको कुरान सिखाएं, उनको नमाज सिखाएं, दुनिया की हर एक तालीम उनको दें। उनको डॉक्टर बनाएं, उनको इंजीनियर बनाएं, उनको हर एक मैदान में उनको तालीम दें, लेकिन सबसे पहले जो है दीन सिखाएं। इनको सना नहीं याद है। अब सना के आगे आती है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा के बाद सूरत है, अत्तहियात है, दुरूद शरीफ है, दुआ कुनूत है, दुआ मासूरा है। ये सारी चीज़ें नमाज में पढ़ी जाती हैं। तो अत्तहियात याद है आपको? आपको अत्तहियात पढ़ो ज़रा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये पक्का नहीं है, कच्चा है। अच्छा, तुम सुना दो दुरूद शरीफ सुना दो। اللهم صل على سيدنا صفينا حبيبنا مولانا محمد والد الكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। माशाल्लाह, इन्होंने दुरूद शरीफ सुनाया है, लेकिन हमें ये देखना है कि जो चीज़ नमाज में पढ़ी जाती है, जो दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ी जाती है, दुरूद इब्राहिमी, वो याद है या नहीं याद? जो दुरूद इब्राहिमी नमाज में पढ़ी जाती है वो सुनाओ। नहीं याद। ये आमतौर से पढ़ी जाती है, इसमें भी सवाब मिलता है, लेकिन नमाज में जो दुरूद पढ़ी जाएगी उसमें हमें देखना पड़ेगा। तो हम हर एक शख्स से कहना चाहेंगे, दुनिया की हर तालीम दें, बच्चों पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा इनका वक्त मोबाइल में ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गेम में ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनका खर्च मोबाइल में यानी फालतू टाइम में ना जाए। बच्चे घर से बाहर एक एक दो दो घंटे मोबाइलों में बिज़ी रहते हैं, माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, फालतू वक्त बाहर ना गुजारें और ना ज़्यादा मोबाइल में वक्त गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पर ध्यान दें। स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान दें, कॉलेज में पढ़ रहे हैं कॉलेज पर ध्यान दें, और अगर मदरसे में जा रहे हैं तो मदरसे में उन पर अपनी तालीम पर ध्यान दें, अपने मुस्तकबिल पर ध्यान दें। आने वाली ज़िंदगी हमारी कैसी होनी चाहिए उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, हर बच्चों को, और हर जो है बच्चों की भी फ़िक्र हो और माँ बाप की भी फ़िक्र हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे।